नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि मैथ का बहुत धमाकेदार सेशन जो आपके आर पार की नैया मतलब कि सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से छपने वाले हैं। अभी तक जो भी प्रशिक्षु लगता है उनको कि मेरे इस टॉपिक में मुझे थोड़ी सी कमजोरी महसूस हो रही है या फिर लग रहा है कि मैं इस टॉपिक का प्रश्न नहीं कर पाऊंगा, तो मैं उनसे एक बार जरूर ये कहना चाहूँगा, प्ले लिस्ट में आकर आप जरूर देखिएगा कि आपको जिस टॉपिक में प्रॉब्लम है उस टॉपिक को आप खोलिए। हमने दो दो तीन तीन बार बेसिक क्लास करा दिए हैं, दो से तीन बार मैराथन क्लास करा दिए हैं, और करीब करीब जितने प्रीवियस ईयर पेपर अभी तक हुए हैं आपके, जितने भी एग्जाम्स में पिछली जितने भी डीएलएड के पेपर हुए हैं, सारे के सारे को बहुत अच्छे तरीके से 20 से 25 मिनट में कवर किया गया है। तो अगर आप केवल मैराथन क्लास और जो प्रीवियस ईयर पेपर है और जो यह सीरीज चल रहा है इसको देखकर जाते हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से छपने वाला है। जो बच्चा केवल इस सीरीज को ही देखकर चला जाएगा ना, केवल चौथा क्लास आज है, तीन क्लास हो चुके हैं, जो बच्चे क्लास नहीं पा रहे हैं तो उनको मैं प्लेलिस्ट में सजा देता हूं। जो आपका प्रीवियस प्लेलिस्ट है मैथ वाला बेसिक वाला फोर्थ सेमेस्टर का, उसी में मैं इस सारे को भी लगा दूंगा, तो वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, और बहुत जल्द मैं आपका सुपर टेट का ब्रह्मास्त्र निकाल रहा हूं। साथ ही जो भी बच्चे सुपर टेट या फिर किसी अन्य एग्जाम की जैसे रेलवे वैकेंसी वगैरह आ रहे हैं तो सबका मैथ लेवल एक ही होता है जब सुपर टेट लेवल पर आप आ जाते हो, तो क्योंकि अभी हम क्लास पढ़ रहे हैं तो क्लास में जो हमारा होते हैं कि मुझे सब्जेक्टिव के अनुसार पढ़ने पड़ते हैं, लेकिन अब सुपर टेट में नहीं पता होता आपको कहां से प्रश्न आएंगे, लेकिन टॉपिक वही होता है जो एसएससी में होगा, जो रेलवे में होगा, जो आपके सुपर टेट में होगा। तो बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, आप लोग के लिए 2023 बहुत ही भयंकर मतलब बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बिल्कुल फ्री क्लासेस सुपर टेट का दिया जाएगा। बच्चा जो सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आ जाते हैं, और एक बात कहना चाहते हैं, जो भी प्रशिक्षु थोड़ा सा सहयोग करते हैं कॉपरेट करते हैं अच्छा लगता है, कमेंट देखकर अच्छा लगता है। तो यही कहेंगे हम कि आप सभी को अगर यह चीज़ें जूम देखिए, आज थोड़ा समय क्लियरली इस चीज़ को लिखा भी हूँ, बड़ा बड़ा लिखा हूँ, तो ये चीज़ें अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो ऊपर यूट्यूब पर जूम का ऑप्शन दिया रहता है, तीन डॉट दिए रहते हैं, उस पर क्लिक करेंगे ना तो जो इसकी क्वालिटी है वीडियो की वो बढ़ जाएगी। आप लगभग 720 के आसपास में देख सकते हो, 360 भी देख सकते हो, 480 भी देख सकते हो ना, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिए। चलिए आ जाते हैं, देखिए यह पाँचवा छठवां और सातवां और आठवां इस चारों यूनिट का यह निचोड़ है। साथ ही अब केवल एक दो तीन चार पाँच छः आपको दिख रहे होंगे, छः क्वेश्चन, लेकिन छः क्वेश्चन नहीं है यह, यह छः के मतलब कल ये 18 के बराबर है क्वेश्चन यह, और यहीं से आपको आपके जो शॉर्ट टाइप आंसर आते हैं ना, शॉर्ट छोड़ दीजिए, वह छोड़ दीजिए, शॉर्ट में भी आ सकते हैं जो MCQ हैं, लेकिन आपके जो अति लघुत्तरी हैं वो लघुत्तरी तो जब आएगा इस प्रायिकता वाले सेशन से, चाहे आपका पासा से हो, चाहे आपका जो आपके क्या बोलते हैं भाई सिक्का क्वाइन से हो, तो यहीं से आने वाला है निश्चित रूप से, इसी बोर्ड से छपेगा। मैं पूरा डिटेल में बात करूंगा, निश्चिंत रहिए। देखिए पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ों को आपको क्लियर कर देता हूं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। देखिए भाई पहली बात है, जब एक सिक्के की बात किया जाए और पूछे कि एक सिक्के में कुल कितनी संभावना बनेगी, एक सिक्के को अगर मैं यादृच्छिक का मतलब होता है स्वतंत्र, ये चीज़ें दिमाग में रख लेना, यादृच्छिक का मतलब क्या होता है, स्वतंत्र होता है। अगर आप किसी एक सिक्के को यादृच्छिक रूप से उछालते हैं तो कितनी संभावनाएं बन सकती हैं उसमें, तो कुल कितनी संभावनाएं बनेंगी, एक प्रश्न ऐसे निश्चित आएगा, चाहे पासे से आएगा चाहे आपके सिक्के से आएगा, निश्चित रहिए कि एक प्रश्न यहाँ से टपकने वाले हैं इन दोनों में से। अगर एक सिक्के को उछाला जाता है कुल कितनी संभावनाएं बनेंगी, दो सिक्के को उछाला जाता है कुल कितनी संभावनाएं बनेंगी, एक पासे को उछाला जाता है तो कुल कितनी संभावनाएं बनेंगी, और दो पासे को अगर एक साथ उछाला जाता है तो कुल कितनी संभावनाएं बनेंगी, इसका मैं बहुत ही डिटेल में आपके नॉलेज में आपके दिमाग में मैं उसको एक तरह से एंट्री करा देता हूँ दिमाग से, और ध्यान से इसको समझिएगा। देखिए भाई अगर एक सिक्के की बात करता है, किसी एक सिक्के की बात करता है और एक सिक्के को बोलता है कि अगर मैं इसे उड़ाता हूँ या फिर टॉस करता हूँ तो बताइए कुल कितनी संभावनाएं बनेगी, तो एक सिक्के में कितने पहलू होते हैं भाई, कोई भी सिक्का हो, चाहे 5 का हो, चाहे 10 का हो, चाहे 20 का हो, अब तो 20 के भी सिक्के हैं, तो 50 के भी सिक्के आ चुके हैं, भैया ने बोला था इस तरह से, मैंने देखा नहीं अभी, लेकिन उन्होंने बोला कि 50 के भी सिक्के आ चुके हैं बैंक में, तो ये चीज़ें आप देखोगे कि दोनों तरफ क्या होंगे, एक हेड होगा एक टेल होगा, चाहे हेड बोलोगे चाहे टेल बोलोगे चाहे शेर बकरी बोलोगे, जब हम लोग खेलते थे गली में क्रिकेट तो हम लोग शेर बकरी कहते थे, या फिर भारत और चिन्ह कहते थे, है ना, भारत और चिन्ह कहते थे, या फिर पूछ और हेड कहते थे, इस तरह से पूछ और हेड आपको मिलेगा आपके DLED वाले बुक में, तो पूछ और हेड कहते हो, टेल और हेड कहते हो, इस तरह से आप कहते हो। तो देखो एक सिक्के को जब आप उछालते हो तो उसमें दो पहलू होते हैं, कितने पहलू होते हैं, चाहे हेड होगा चाहे टेल होगा, चाहे हेड होगा चाहे टेल होगा, यही तो आएगा, चाहे हेड आएगा चाहे टेल आएगा, दो सिक्के में से यही आएगा भाई। अब उसको यह नहीं सोचना है कि खड़े अगर हो जाएगा तो सर कुछ नहीं माना जाएगा, उस समय तो लड़ाई हो जाती थी हम लोग के बीच में गली में जब क्रिकेट होता था, नहीं भाई फिर से कप्तान बोलता था, नहीं भाई नहीं यही रहेगा, जिसका बैट और बॉल रहता था चलो भाई लेकर, यह ससुरे सब खेलने वाले नहीं है, तो इस तरह से यहाँ पर लड़ाई नहीं करना, यहाँ पर हमको ये समझना है कि हेड और टेल ही आएगा,
चाहे हेड आएगा चाहे टेल आएगा। तो आप खुद बताओ किसी एक सिक्के को उछालने में मैक्सिमम कितनी संभावनाएं बनेगी? दो ही संभावना बनेगा ना भाई, दो संभावना। अगर आपसे बोल दे हेड आने की प्रायिकता बता दो, तो हेड मतलब एक बार आएगा दो सिक्के में हेड, भाई चाहे हेड आएगा चाहे टेल आएगा, तो हेड आया एक बार, तो एक और कुल संभावना कितना है? दो। तो याद रखना, अगर कुल संभावना की बात करता है, एक सिक्के को उछालने पर कुल संभावना कितने बनेंगे, तो आप क्या लिख दोगे, क्या लिख दोगे? एक और दो, मतलब कुल संभावना दो बनेगा। यह कैसे निकाला जाता है अभी मैं बताता हूँ, दिमाग से ध्यान से देखते रहिएगा। अगर आपसे बोलता है कि दो सिक्के हैं उनको उछाला गया एक साथ, तो बताओ कुल कितने संभावना बनेंगे। ये चीज़ें दिमाग, पहले एक सिक्के का हो गया, अब दो सिक्के अगर आ गए तो बताओ, दो सिक्के को अगर आप उछालते हो तो कुल कितनी संभावना बनेगी। तो आप बताओ, दो सिक्के हैं तो दोनों को एक साथ उछाला जाता है यादृच्छिक रूप से, तो चाहे हेड आएगा या फिर दोनों में टेल आ जाएगा, या फिर एक में हेड और दूसरे में टेल, या फिर पहले वाले में टेल और दूसरे में हेड, बताओ चार के सिवा कुछ बनेगा? कुछ नहीं बनने वाला है। यानी कि याद रखना, जब एक सिक्के के दो ही पहलू हैं तो दो के पावर एक लिख देना, दो के पावर हम यहाँ पे एन लिख देते हैं, दो के पावर जब एक चढ़ाओगे तो मतलब एक सिक्का है, दो के पावर एक का मतलब एक सिक्का, तो दो के पावर एन बराबर एन मतलब सिक्का, एन मतलब कितने क्वाइंस हैं, सिक्कों की संख्या लिख लेना, एन का मतलब सिक्कों की संख्या। यानी कि एन की वैल्यू जब एक रखोगे तो दो के पावर में एक, दो के पावर एक का मतलब दो। जब आप एक सिक्का उछालते हो तो कुल कितनी संभावना बनेगी? दो संभावना बनेगी, याद रखना कुल दो संभावना बनेगी। लेकिन अगर आप दो सिक्के उछालते हो तो देखो भाई, हेड टेल और टेल हेड मतलब एक दो तीन चार संभावना बने था, चार संभावना बना है ना, तो आप कहोगे दो के पावर में दो। अच्छा, ये दो क्यों लिख रहे हैं? यह दो इस वजह से लिखा जा रहा है क्योंकि दो ही पहलू हैं हमारे सिक्के के, इस वजह से दो लिखा जा रहा है। अभी पासे को देखोगे तो वहाँ पे छह लिखेंगे हम, तो दो सिक्के हैं और दो बार उछाला जा रहा है, दो पहलू मतलब एक सिक्के के दो पहलू हैं और दो बार उछाला, दो सिक्के को उछाला जा रहा है, इस वजह से यहाँ पर दो आ गया। तो कुल कितने संभावना बनेंगे दो सिक्के के लिए? दो दूनी चार, कुल चार संभावना बनेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन निश्चित है। अब अगर मैं कह दूँ यहाँ पर तीन सिक्के हो जाएँ तो देखना तीन सिक्के के लिए क्या संभावना बनेगी। ध्यान से देखेंगे भाई, तीन सिक्के तक आएगा प्रश्न, एक सिक्का दो सिक्का तीन सिक्का, तीन सिक्के तक आएंगे। तीन सिक्के अगर हो जाते हैं, तीन सिक्के के लिए कुल संभावना कितने बनेंगे? तो पहले मैं इसको प्रूव कर देता हूँ, किया हूँ बेसिक क्लास में, लेकिन फिर से देख लेना। तीन सिक्के मतलब चाहे टेल 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 आएगा, यही तो आएगा, तीनों में टेल टेल आ जाए, या फिर दो में टेल एक में हेड। जब एक में इधर वाले में टेल आया, हेड आया बीच में, तो हेड बीच वाले में भी आ सकता है, हेड बीच वाले में भी आ सकता है, और हेड साइड में भी आ सकता है, हेड साइड में भी आ सकता है। तो यह चीज़ हो गया, दो बार टेल टेल हमने कर लिया और तीन बार टेल टेल कर लिया। अब दो बार हेड हेड वाला देखना, या फिर क्या होगा, तीनों में हेड आ जाएगा, या फिर एक बार हेड और टेल, फिर एक बार हेड और इस बार टेल ये बीच में आ गया और हेड साइड में आ गया, इस बार टेल इधर आ गया, हेड और हेड इधर आ गए। तो आप देखो कितनी बार संभावना बना, इससे ज़्यादा संभावना बन ही नहीं सकता। तीन सिक्के को अगर उछालते हैं तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, कुल आठ संभावना बनेगा। तो हमने बताया था एन बराबर सिक्कों की संख्या, तो हमने बोला था दो पहलू हैं, इसलिए दो के पावर में एन, और एन है सिक्कों की संख्या, तो एन बराबर तीन, यानी कि दो के पावर में तीन, दो के पावर में तीन का मतलब दो दूनी चार दूना आठ, दो का तीन बार गुणा, यानी कि कुल आठ संभावना बनेगा। ये चीज़ें समझ में आ गया? यह प्रश्न निश्चित रूप से आपके देख लीजिएगा, जो प्रीवियस पेपर हम कराए हैं 2015 से लेकर, जितने पेपर कराए हैं, 2015 भी कराया गया, 16 भी कराया गया, 17 भी कराया गया, 18 भी कराया गया, 19 वाला भी कराया गया, 19 में दो पेपर हुए थे जो एक कैंसिल हो गया था, तो दो पेपर हुए थे 19 में, थर्ड वाला ना, फोर्थ के नहीं कैंसिल हुए थे शायद, देखना मैंने कराया हुआ है, तो 19 के भी कराया गया था, जो पिछली बार हुआ था वो बैक वाला वो भी मैंने कराया था, तो सारे के सारे पेपर मैंने करा दिए हैं, उसको जरूर देखना। हर शिफ्ट में यह प्रश्न आया हुआ है कि कितने कुल संभावना बनेंगे, तो यहाँ से एक प्रश्न तो पक्का है, चाहे पासा से ले लीजिए चाहे सिक्का से ले लीजिए, इसके बाद देखना। और बेसिक तो मैं बता ही रहा हूँ, अभी कुछ आगे नहीं गया हूँ ज़्यादा, बस इतना समझ लेना आपका एक क्वेश्चन फिक्स हो गया। अब देखना, मैं चलता हूँ पासे पे। पासा मतलब वही जो लूडो खेलते समय हम गोटी फेंकते हैं ना, उसका अजीब सा नाम भी होता है, आपको पता होगा क्या नाम होता है, तो वह नाम थोड़ा सा लिया जाना अच्छा नहीं है, लेकिन आप जानते हो आम गली मतलब कि गाँव में क्या बोलते हैं उसको, तो लूडो मतलब कि पासा एक तरह से हमारे लैंग्वेज में, सुन लेना। तो पासा अगर एक पासे को देखते हो तो उसमें छः पहलू होते हैं, जैसे सिक्के में दो ही पहलू थे, अब पासे में सात तक अंक नहीं होते हैं, कोई सात तक नहीं बोलेगा, किसी के पासे में सात तक होंगे तो बताना जरा। तो देखना, एक दो तीन चार पाँच छः, सिर्फ छः ही तक अंक होते हैं उसमें, और हर तरफ फेस कितने होते हैं, छः होते हैं, छः पहलू हो गए, तो छः फेस हो गए। तो याद रखना यहाँ पर एन की वैल्यू क्या होगी, पासों की संख्या, एन का मतलब पासों की संख्या, और इस बार छः पहलू हैं तो छः के पावर में एन,
क्योंकि सिक्के में दो पहलू था तो 2 के पावर n था। अब इसमें 6 पहल हैं तो 6 के पावर n, 6 के पावर n मतलब n क्या है, सिक्कों की संख्या। अब मैं बोलूं अगर एक पासा आपको दिया गया तो बताओ एक पासे में, एक पासे को अगर फेंका जाता है लूडो के पेज पर तो बताओ कितने संभावनाएं बनेंगे, तो कितने संभावनाएं बनेंगे भाई, n की वैल्यू 1 है तो 6 के पावर में n, n मतलब कि 6 के पावर में 1, एक बार फेंका एक पासा की बात हुआ है तो 1, यानी कुल 6 संभावना बनेंगे। कितनी संभावना बनेंगे, कुल 6 संभावना बनेंगे। अगर दो पासा है तो, अगर दो पासा है तो कुल कितनी संभावना बनेंगे, तो 6 के पावर में n, n की वैल्यू इस बार 2 है क्योंकि 2 पासा है, तो 6 × 36 कितनी संभावना बनेंगे भाई, देख लो 6 × 36। अब 36 हमको यहाँ पे लिखना बहुत बड़ा पड़ेगा, लेकिन आप चाहते हो लिख दें तो मैं एक बार प्रूफ करके अभी दिखाता हूँ। 2 पासों तक, अब 2 पासों तक ही हो सकता है, 3 पासा लोगे तो बहुत जटिल संरचना बनेगी। एक अगर 3 पासा भी आता है, वैसे आएगा नहीं 3 पासे का, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है 3 पासा। बहुत सारी चीज़ें हैं इससे कट कर हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल नहीं है, है ना, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा आपको देखने को मिल सकता है सुपर टेट में, ठीक है। 6 के पावर में n, तो 6 के पावर में 3 हो गया, 6 के पावर 3 का मतलब 6 × 36 = 216, 216 संभावना बनेंगे कुल अगर 3 पासा होता है तो। मैं एक मिनट देख लेता हूँ, कट तो नहीं रहा है, नहीं इस बार तो सही है ये चीज़ें। अब दूसरी चीज़ है आपका 8वां, यह चीज़ समझ में आ गया, आपका 8वां लेक्चर है केवल संभावना के ऊपर, ये सारे क्वेश्चन अभी हम हैंडल करेंगे, घबराना मत, यह चीज़ समझ में आ गया। यहाँ से आपका 2 क्वेश्चन फिक्स है, निश्चित रूप से 2 क्वेश्चन फिक्स है, यह चीज़ें दिमाग में बैठा लेना आपने, ठीक है। संभावना क्या होता है, 8वां लेक्चर अगर आप उठाकर देखें, सॉरी 8वां चैप्टर अगर उठाकर देखेंगे तो उसमें संभावना का मतलब दिया गया है। यहाँ से एक प्रश्न आ सकता है, क्या होता है संभावना, तो संभावना का मतलब जैसे कि हमारा जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है आप जानते होंगे, जो कि मौसम की जानकारी देता है, है ना, तो मौसम की जानकारी इतना बड़ा हमारे पास एक तरह से वह नहीं है, मतलब कि वैज्ञानिक कुछ इतना बड़ा भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि 1 दिन पहले बता सके या फिर 2 घंटे पहले बता सके, नहीं वह मतलब कि 1 दिन पहले देखते हो, कभी कभी आपके मोबाइल में मैसेज आता है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से कि आज मौसम बहुत ख़राब रहने वाला है, आज मौसम बहुत ख़राब रहने वाला है, लेकिन हो सकता है कि मौसम ख़राब ना रहे, हो सकता है कि बादल रहकर आपके तरफ से चीज़ें हट जाएं, लेकिन इस वजह से वो जानकारी दे देते हैं भविष्यवाणी, जैसे आप भविष्यवाणी देखते हो, चैनल भी है भविष्यवाणी, तो भविष्यवाणी करते हैं कि आज हो सकता है 1 हफ्ते तक मौसम बहुत ख़राब रहे, 1 हफ्ते तक यहाँ पे बारिश हो सकती है, 1 हफ्ते तक बहुत भयंकर कोहरा पड़ने वाला है, तो थोड़ा बचा के रहें। इस तरह से वो क्या करते हैं, आपको एक तरह से प्रकोप से बचाने के लिए, आपको सुरक्षित रखने के लिए आपको आगाह कर देते हैं पहले से कि जो हमारे देश के नागरिक हैं वो सही रहें। वो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट संभावना जताता है, वो एग्जैक्ट डेट नहीं देता है। एग्जैक्ट डेट बताने के लिए मात्र हमारे पास एक मशीन है जो कि आप देखते होंगे, जो कि क्या करते हैं भाई, जो भूकंप जो अर्थक्वेक्स आते हैं तो उसको बताते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, बताना जरा क्या कहते हैं उसको, जो अर्थक्वेक मेजरमेंट करता है उसको क्या कहते हैं, देखना जरा, जो बताता है बिल्कुल हार्ट बीट की तरह होता है, उसका भी संरचना बनने लगता है, तो उसमें बताया था भाई भुज में 2001 में आया था ना, 2002 में आया था भुज में, जो आपका गुजरात वाला कच्छ करण है तो वहाँ पे भी आया था। तो ये चीज़ें वो क्या बताता है, वो संभावना बताता है कि भाई इतने कह लीजिए कि आपका इतने समय तक आप बाहर, मतलब इतने 2 घंटे के बाद यहाँ पर मौसम बहुत ख़राब रहने वाला आपके तटीय इलाके में, तो आप लोग थोड़ा सा दूर हट जाओ, उस जगह को छोड़ दीजिए, तो वहाँ पर देखते हो कि बहुत ज़्यादा चीज़ें पहले से बता दिया जाता, आगाह कर दिया जाता है लोगों को, तो वह चीज़ें संभावना है। जैसे आज बारिश होने वाली है लेकिन बारिश नहीं हुई, तो बारिश होने वाली है आज, आज मैं बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटेड हूँ तो मैं चलूँगा घूमने, कहीं मौसम बहुत अच्छा है, मैं अपने वाइफ को लेकर जाऊंगा घूमने, इस तरह से कुछ अपने आपके दिमाग में क्रिएटिविटी आ रही है, लेकिन पता चला कि बारिश हो गया, तो संभावना संभावना ही रह गया, तो आप संभावना चीज़ जताते हो, सकता है आज घर पे मम्मी पूरी बनाए, मैंने बोल रखा है अगर पूरी बनाने का उसका मन किया पूरी बनाएगी, नहीं तो कुछ और बनाएगी, जो बनेगा तो खाना ही पड़ेगा भाई, बीवी और मम्मी के हाथ का, तो मतलब मम्मी के हाथ से थोड़ा सा आप जता भी सकते हो मुझे ये खाना है कि खाना, लेकिन बीवी जो बनाएगी उसको खाना ही पड़ेगा भाई, तो ये चीज़ें, तो आप संभावना जताते हो, तो ये चीज़ें हो गई कि आज पूरी बनाए तो पूरी खाऊंगा। संभावना का मतलब आपको यह ध्यान रखना है, जो चीज़ें हमारे आगे आने वाले समय में घटने वाली हैं, जो घटनाएं अभी घटित नहीं हुई हैं लेकिन जिसका अंदाज़ा लगाया जा सके, जिसका अंदाज़ा लगाया जाता है कि भविष्य में ये घटनाएं घट सकती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संभावना कहते हैं। बस एक लाइन में आप आंसर लिखना, पूरा का पूरा डिक्टो नंबर 1 नंबर मिलेगा आपको, यह तिलगुत्री का प्रश्न है, हो सकता आ जाए। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, देखना 2 पासा 3 पासा 1 पासा, मैंने बता दिया सब कि कितने कितने संभावना बनेंगे, 1 पासे में 2 पासे में 3 पासे में, 1 सिक्के में 2 सिक्के में 3 सिक्के में, 1 क्वेश्चन यहाँ से निश्चित है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ, 2 सिक्के एक साथ 40 बार उछाले गए, यदि हेड टेल हेड क्रमशः 9, 8, 12 बार आए, देखना हेड हेड कितनी बार आया है 9 बार आया है, और हेड टेल कितनी बार आया है 8 बार आया है, और भाई टेल हेड कितनी बार आया है 12 बार आया है, तो आपसे पूछ रहा है टेल कितनी बार आएगा,
टेल टेल। भाई आपको बताओ, अगर दो सिक्के आप उछालते हो तो यही चार संभावना नहीं बनते भाई, चाहे हेड हेड आएगा, चाहे हेड टेल आएगा, चाहे टेल हेड आएगा, चाहे टेल टेल आएगा, यही चार संभावनाएं नहीं बनते हैं। तो इन चार संभावनाओं को बोल रहा है कि 40 बार आया है, मतलब कुल टोटल मिलाकर बोल रहा है कि उछाला गया तो कुल टोटल संभावना 40 बार बन गया दो सिक्कों से, मतलब 40 बार कहाँ गया भाई, 40 बार आया है। मतलब टोटल का अगर जोड़े ना, हेड हेड प्लस हेड टेल प्लस टेल हेड प्लस टेल टेल, कुल टोटल मिलाकर 40 बार आया है। इस 40 में से बोला हेड हेड की संख्या कितनी बार है, 9 बार है, और हेड टेल की संख्या कितनी है, 8 बार है, और टेल हेड की संख्या कितनी है, 12 बार है। तो पूछ रहा है टेल टेल कितनी बार आया है, तो आप बता ले जाएंगे, 40 इधर है, 12, 8, 20 और 9 29, यानी 29 प्लस टेल टेल, 29 प्लस टेल टेल इजकल टू 40। तो टेल और टेल कितनी बार आया है भाई, 40 माइनस 29, यानी कि कितनी बार आया, 11 बार आया है। तो क्या बता दोगे, टेल टेल जो आया है 11 बार आया। एक तो इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे आपके आपके पेपर में। एक तो कैसे बनेगा मैं बता रहा हूँ, अभी देखना। आपसे यह बोलेगा कि बताओ, एक दो पासे को उछाला गया, दो पासे को उछाला गया, टेल न आने की संभावना बता दो, टेल एक बार भी टेल न आने की संभावना। तो आप खुद बताओ, एक बार भी अगर टेल नहीं आएगा तो टेल नहीं आएगा मतलब क्या क्या आएगा बार बार, अगर आप अपने पासे को आप उछाल दो पासे उछालते हो तो दो पासे में क्या क्या संभावना बनेगा, दो पासे में क्या क्या संभावना बनेगा, आप खुद देख लो, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। तो बोला गया है कि एक बार भी टेल न आए, एक बार भी टेल न आने की संभावना। भाई एक बार भी टेल किस में नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो आप दो सिक्के उछाले, कितनी बार उछाले बोला गया, बोल दिया 20 बार आप उछाले, दो सिक्के को 20 बार उछाला गया, तो एक बार भी टेल न आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। एक बार भी टेल मतलब इसमें एक बार आया, इसमें भी आया, इसमें दो बार आ गया, तो मतलब कि यह तीनों कंडीशन नहीं बनने चाहिए। फिर क्या आना चाहिए, 20 के 20 बार क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए, हेड हेड। तो एक बार मतलब आप एक बार यही आएगा, यही बचा है तो यही आएगा, एक हो गया, और 20 बार आपने उछाला है तो 1/20 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1/20 राइट उत्तर हो जाएगा। लेकिन अगर यह बोल दे कम से कम एक बार टेल आने की प्रोबेबिलिटी बता दो, देखो ये हेड वाले कंडीशन में भी अप्लाई होगा और टेल वाले भी कंडीशन में अप्लाई होगा, यानी कि एक बार भी टेल न आने की प्रोबेबिलिटी में भी आप यही उत्तर दोगे, एक बार हेड न आने की, एक बार भी हेड न आने की प्रोबेबिलिटी में भी आप यही उत्तर दोगे, समझ गए। एक बार भी आपका हेड आने की न संभावना बने और एक बार भी टेल भी न आए उसकी संभावना बता दो, तो आपका उत्तर यही होगा। लेकिन अगर यह पूछ ले कि भाई बता दो कम से कम एक बार हेड आया हो उसका संभावना बता दो, या फिर कम से कम एक बार टेल आया हो इसकी संभावना बता दो, देखो दोनों बराबर बराबर होंगे, देखना जरा। एक बार भी कम से कम एक बार टेल आया हो इसकी संभावना बता दो, कम से कम एक बार टेल यानी पुच्छ आया हो इसकी संभावना बताओ। भाई कम से कम की बात करें तो एक बार यहाँ पे आया है, एक बार ठीक है, तो कम से कम बात किया है, ज़्यादा से ज़्यादा तो आ ही सकता है, तो एक यहाँ पर, यानी कि अगर मैं 20 बार किसी सिक्के को उछालता हूँ तो कम से कम एक बार टेल आने की प्रोबेबिलिटी बता दो। 20 बार आपने उछाला तो टेल कितनी बार कम से कम भाई, 1, 2, 3, देख रहे हो 3 आ गया। कम से कम की बात किया है तो कम से कम भाई 3, कम से कम की बात करेगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ले लोगे, तो 3/20 कर देना, यह उत्तर हो जाएगा आपका। यह चीज़ें दिमाग में लेके चलना है, ठीक है ना, यह चीज़ें दिमाग में रखना है। चलिए ऐसे प्रश्न हो जाएंगे अब आपके, बताओ एक सिक्के से, दो सिक्के से, तीन सिक्के से हो जाएंगे। अब देखना तीन सिक्के से कैसे बनते हैं क्वेश्चन, मैं उस पे आ जाता हूँ, देखना जरा। भाई एक तीन सिक्का है तो एक सिक्के को मान लेते हैं हेड, सॉरी दो सिक्के से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, मतलब दो सिक्के से कह रहा हूँ, दो पासे से, क्योंकि पासा में मैक्सिमम दो ही आता है, वो भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बच्चे दो पासे तक। तो दो पासा में देखिए कैसे क्वेश्चन बनते हैं, दिमाग से देखेंगे। एक पासा वाला तो बहुत आसान है, पहले इसको कर लो। अच्छा, दो पासे को एक साथ फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि में कुल कितनी संभावना बनेगी भाई, यह हर पेपर में आया है प्रश्न, पीवी से पेपर उठा के देखना। तो दो पासों को अगर एक साथ फेंकते हैं आप तो प्रतिदर्श समष्टि में कितने अवयव बनेंगे, दो पासा है भाई, जब दो पासा है तो 6 के पावर, दो पासा है, एक पासे में 6 पहलू, तो 6 के पावर n, n की वैल्यू कितना है, जब दो पासा है तो n की वैल्यू 2, तो 6 के पावर में 2, कुल संभावना कितना बनेगा, 36 बनेगा। बताओ इसका उत्तर हो गया, या इस वाले का भाई उत्तर हो गया था, तो दोनों को मैं इरेज कर दूँ, देखना भाई आप लोग, बस मेरा यही इरादा है, देखना जिस प्रकार से आप यहाँ पे फोड़ रहे हो ना, देखना आप पेपर में भी फोड़ना है, बस मायूस नहीं होना है कि पेपर में हमें नहीं आ रहा है। मैं इतना कुछ दे दिया हूँ आपको ना, जो यहाँ से पढ़ा है ना, कह ही नहीं सकता कि मैं पेपर में गलत करके आ गया या फिर मैं रिवीजन नहीं हुआ था, मैं खुद अपने दम पे रिवीजन कराया आपको। आप ये हो ना कि यह हो, तो अगर आप एक्स्ट्रा करोगे तो बहुत अच्छा फल उसका मिलेगा, लेकिन जितना मैं करा दिया हूँ जितनी बार सारा का सारा, मैथ में कभी बैक नहीं लगना है, क्योंकि मैथ से बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं भाई, मैंने देखा है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, पहले दो पासों को देख लेता हूँ। देखिए
दो पासा अगर फेंकते हो तो मान लो जी एक पासा एक है, दो है, तीन है, चार है, पाँच है, छः है, देखना इसमें कैसे क्वेश्चन बनेंगे। दो पासे से बहुत क्वेश्चन आता है, एक ही बार में जड़ से खत्म। देखना एक पासा में अगर पहले में एक आया तो दूसरे में क्या क्या आ सकता है, दूसरे में एक भी आ सकता है, दूसरे में दो भी आ सकता है, दूसरे में तीन भी आ सकता है, दूसरे में चार भी आ सकता है, दूसरे में पाँच भी आ सकता है और छः भी आ सकता है। नहीं दिख रहा है तो कॉम्प्रोमाइज थोड़े से कर लेना, ठीक है। दो दो देखना भाई, यहाँ पे तो कर ही सकते हो, कॉपरेट थोड़ा सा साथ बना के रखना, सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अगर पहले वाले में दो आ गया तो दूसरे वाले में क्या आ सकता है, एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन भी आ सकता है, चार भी आ सकता है, पाँच भी आ सकता है और छः भी आ सकता है। इसी तरह इसमें भी एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः। इसी तरह सेम इसमें भी, चार में भी एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। इसी तरह सेम इसमें भी एक, दो, तीन, चार, पाँच। पता है जिससे डर लग रहा है ना उससे भागो मत, कभी कभी मत भागो, फोड़ दो ससुरे को, दस बार मारो हथौड़ा एक ही जगह, अगर एक बार मारोगे पत्थर नहीं टूटेगा, एक बार फिर मारो नहीं टूटा, फिर मारो नहीं टूटेगा, फिर मारो नहीं टूटेगा, लेकिन वो अंदर से खोखला होता जा रहा है, उसको डर लग रहा है अंदर से, इस ससुरा बार बार एक ही जगह का मार रहा है, फिर मारेगा, फिर मारो इसी जगह की जगह, फिर एक बार ऐसा आएगा ना तो हवा से ही उखड़ जाएगा ससुरा, क्योंकि उसको पता है कि ससुरा एक ही जगह बार बार मार रहा है, तो जो कमजोरी होती है ना वो चीज़ें कमजोर कर दो आप उसको, मैथ को एक ही जगह बार बार प्रयास करके, इतना प्रयास करो कमजोर हो जाए। छठा देखना, एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः। आप देख पा रहे हो ना छः चीज़ें हैं, मैंने क्या देखा, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, मतलब छः नंबर हैं और दूसरा पासा है, दो पासे हैं, एक पासे में अगर एक आता है दूसरे पासे में एक भी आ सकता है, दो भी, तीन भी, चार भी, पाँच भी, छः भी। अगर एक पासा में दो आता है तो दूसरे वाले में यस चारों छः पाँचों आ सकते हैं, छः आ सकते हैं। अगर एक पासा में तीन आता है तो दूसरे पासा में छः तक आ सकता है। अगर एक पासा में चार आता है तो दूसरे पासा में छः तक आ सकता है। अगर एक पासा में पाँच आता है दूसरे पासा में छः तक आ सकता है। अगर एक पासा में छः आता है दूसरे पासा में छः तक आ सकता है। अगर अब आपसे क्वेश्चन बनाना हो तो बहुत आसान है, अगर इतना लिख लिए ना उसके बाद कोई क्वेश्चन पूछ ले यार, कुछ भी पूछ ले, दो दो पासे से उखाड़ के फेंक के आओगे, देखना कैसे। अगर आपसे बोल देता है दो पासों को फेंका गया, दो पासों को फेंका गया तो दोनों का जोड़ छः आ जाए, दोनों का जोड़ हमेशा छः आने की प्रायिकता बता दो, दोनों की जोड़ हमेशा छः आने की प्रायिकता के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखना भाई एक में एक आएगा तो दूसरे में, इसमें दूसरे में क्या आएगा कि एक में जोड़ दो छः बन जाए, तो भाई केवल पाँच जोड़ोगे तो छः बन जाएगा, इसके बाद कुछ जोड़ो तो छः से कम या फिर छः से अधिक, छः एक सात अधिक हुआ ना तो छः मतलब पाँच एक छः, पहले से एक चांस मिला, पहले से एक बार बना, बस लिखते चलो कितना बार बना और नीचे क्या लिखना है, कुल संख्या कितनी संख्या बन सकती है, दो पासों से कितनी प्रायिकता बनाया जा सकता है, तो हमने बताया था छः, छः फलक, अब दो पासा है तो छः के पावर दो यानी कि छः चार का छत्तीस, जितना प्रायिकता आपका बना है, संभावना जितना बना है, नीचे कुल संभावना, संभावना बटे कुल संभावना यह करना है। तो एक हो गया, इससे एक और पाँच को जोड़ा तो छः आ गया, बोला गया है प्रश्न में ऐसे मैं दो पासे को फेंका गया तो बताओ ऐसे कितने संभावना बनेंगे कि दोनों को जोड़ने पर छः आ जाए, तो भाई दो पासे को फेंका गया तो एक प्लस पाँच, पहले में एक तो दूसरे में पाँच आ सकता है, इसके सिवा कुछ बताओ, एक को जोड़ो छः बन सकता है क्या, नहीं बनेगा। दो दो में केवल चार को जोड़ना तभी छः बनेगा, इसके सिवा कुछ बनेगा नहीं, किसी में देखो पाँच में जोड़ोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, छः में जोड़ोगे ज़्यादा हो जाएगा, उसके बाद वाले में कम रहेगा, यानी दो और चार छः, यानी कि पहले में दो आ सकता है दूसरे में चार आ सकता है, यहाँ पर लिख लेते हैं हम, देखो पहले में एक आ सकता है दूसरे में पाँच, फिर दूसरे में पहले में दो आ सकता है दूसरे में चार आ सकता है, फिर दोनों में तीन तीन, तीन के कम जाओगे तो चला जाएगा, तीन से ज़्यादा जाओगे तब अधिक हो जाएगा, तो तीन तीन भी आ सकता है दोनों में, तो संभावना छः बनेगा, जोड़ जोड़ छः बनना चाहिए। चार और दो आ सकता है, चार और दो आ सकता है, लेकिन अब पाँच और एक आ सकता है, भाई एक पाँच आया है तो पाँच एक और एक भी आ सकता है, ठीक है, यहाँ पे चार और दो आया तो यहाँ पे दो और चार भी आ सकता है, लेकिन छः के साथ कुछ, छः के साथ कुछ मत करना खिलवाड़ भाई, पाँच और एक, एक और पाँच, चार और दो, दो और चार, देखना चार और दो और दो और चार हो गया ना, लेकिन पाँच के साथ, छः के साथ कुछ खिलवाड़ मत करना, छः के साथ कुछ भी जोड़ोगे हमेशा ज़्यादा ही आएगा छः से। तो बोला गया क्वेश्चन में दो पासे को फेंकने पर दोनों का जोड़ हमेशा छः आए, तो कितने कंडीशन बन गए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच कंडीशन बने। कुल दो पासों को फेंकने पर कुल संभावना कितनी बनती है, हमने बताया था फलक की संख्या है छः, पावर कर दो दो क्योंकि पासा है दो, तो पाँच संभावना बना है बटे छः चार का छत्तीस, पाँच बटे छत्तीस आपका राइट उत्तर होगा इस तरह से। अब अगर पूछ लेना कि बताओ भाई दो पासे को फेंका जा रहा है, किसी दो पासे को फेंका जा रहा है और अगर दो पासे को फेंका गया तो दोनों का जोड़ छः आ गया था हमने देख लिया, अब दोनों का जोड़ सात आ जाए, दोनों का जोड़ चार आ जाए, दोनों का जोड़ पाँच आ जाए, ऐसे प्रश्न आएंगे तो कर ले जाओगे कि नहीं कर ले जाओगे बताना जरा, कर ले जाओगे ना, निश्चित कर ले जाना। अगर अब एक प्रश्न बनता है, एक दूसरे तरीका प्रश्न बनेगा, जोड़ वाला तो हो गया, एक ऐसे प्रश्न बन सकता है कि दो पासों को जब फेंका गया
तो बताओ ऐसे कितनी बार ऐसा होगा कि हर बार मतलब चार से बड़े अंक आने की प्रायिकता, ऐसे पूछ लो, दो पासों को फेंका गया तो चार से बड़े अंक आने की प्रायिकता बता दो, दो पासों को फेंका गया तो दोनों में चार से बड़े अंक आने की प्रायिकता बता दो, दोनों में चार से बड़े अंक कितनी बार आएंगे देखना जरा, चार से बड़े अंक यानी कि चार नहीं, चार से बड़े अंक दोनों में पाँच पाँच आ सकते हैं, दोनों में छः छः आ सकते हैं, एक में पाँच एक में छः आ सकता है, एक में छः एक में पाँच आ सकता है, बस इस चार के सिवा कोई कंडीशन बनेगा ही नहीं लाइफ में, मतलब कि इस दोनों पासों के कंडीशन में, एक दो तीन चार, तो चार हो गया कुल संभावना, छः के पावर दो यानी कि चार बटे छत्तीस, चार बटे छत्तीस को आपको काट के एक बटा नौ लिखा होगा तो राइट उत्तर हो जाएगा, बताओ कर ले जाओगे ना, अब बताओ एक बार फिर समझा दें, दो पासों को फेंका गया दोनों में चार से बड़े अंक आने की प्रायिकता, चार से बड़े अंक यानी कि पाँच और छः, पाँच या छः, छः या पाँच, या फिर पाँच पाँच या फिर छः छः, यही तो आएगा, देखो एक दो तीन चार, चार अंक बने, कुल टोटल संभावना हमने बताया था दो पास के कंडीशन में छः के पावर दो, छः चार का छत्तीस हो गया ना, बताओ भाई आ जाओ नेक्स्ट प्रश्न पे, हमें नहीं लगता है कि अब दो पासे वाला आप नहीं कर पाओगे भाई, मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा देखो करना जरूर है आपको, ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, पसीना होने लगा भाई, चल देखना, दो पासों को एक साथ फेंकने पर सम अंकों के ऊपर आने की घटना का समुच्चय ज्ञात करिए, अब दो पासे आप फेंकते हो ना तो सम अंक ऊपर आ जाए, हमने तुरेज कर दिया ना, दिखा था सम अंक सिर्फ ऊपर आए, दोनों पासों में सम अंक सिर्फ ऊपर आए, पूछ सकता है यहाँ पर सम की जगह विषम भी दे सकता है, दोनों पासों में विषम अंक ऊपर आने की प्रायिकता बता दो केवल, तो भाई कुल संभावना कितनी है, संभावना बनने वाली संभावना जो पूछा जा रहा है, संभावना बटे कुल संभावना, घटना घटने की संभावना बटे कुल संभावना, बटे कुल संभावना, कुल संभावना यही आपका फार्मूला होता है, संभावना याद रखना, संभावना का मतलब प्रायिकता का घटना घटने की संभावना बटे कुल संभावना, तो पूछा है दो पासों को फेंका गया तो ऊपर सम अंक आने की प्रायिकता बता दो, सम अंक आने की प्रायिकता दोनों में सम अंक, तो भाई बताओ सम अंक क्या क्या होते हैं, दो चार छः ही तो होता है पासे में, एक दो तीन तो नहीं, एक तीन पाँच तो नहीं होता है ना भाई, आठ मत चले जाना भूल कर, क्योंकि आठ होता है सम संख्या लेकिन पासे के लिए सम नहीं होता है, पासे में सिर्फ तीन ही सम संख्या होते हैं, तो एक में दो आएगा दूसरे में दो आ सकता है, एक में दो आएगा दूसरे में चार आ सकता है, एक में दो आएगा दूसरे में छः आ सकता है, भाई दो वाला कंडीशन खत्म करो, फिर आ जाओ चार के लिए, एक में चार आएगा दूसरे में दो आ सकता है, भाई देख लो दो और चार है, चार और दो नहीं है, दिमाग में रख लेना, एक में चार आएगा दूसरे में छः आ सकता है, एक में चार आएगा दूसरे में भी चार आ सकता है, दूसरे में चार आ सकता है, चार वाला भी कंडीशन खत्म, छः वाला कराते हैं सेटिस्फाई, एक में छः आएगा दूसरे में दो आ सकता है, एक में छः आएगा दूसरे में चार आ सकता है, भाई छः चार नहीं चार छः आया, छः चार नहीं आया तो छः चार लिख दिया, एक में छः दूसरे में छः, बताओ भाई एक कंडीशन दो कंडीशन तीन कंडीशन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ कंडीशन बनेंगे ऐसे कि दोनों पासों में ऊपर सम अंक आने की प्रायिकता, तो नौ बार बना, कितनी बार नौ बार बना, कुल कितनी संभावना है भाई, दो पासा हैं तो छः पहल हैं, छः के पावर दो, छः चार का छत्तीस, नौ बटे छत्तीस यानी कि नौ चौका छत्तीस, एक बटे चार आपका राइट उत्तर होगा, ठीक ना मेरे लाल, समझ में आ रहा है ना भाई, घटना घटने की संभावना कितनी है नौ, कुल संभावना छः के पावर दो यानी कि नौ बटे छः के पावर दो यानी कि नौ चौका छत्तीस, नौ चौका छत्तीस, एक बटे चार आपका राइट उत्तर होगा, ठीक है ये चीजें दिमाग में रख लेना, चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, इसी तरह विषम वाला पूछेगा तो भाई यही कंडीशन बनेगा मेरे लाल, देखना दो दो है तो वहां पे तीन तीन कर देना, एक तीन पांच ले लेना, बस दो चार छह की जगह क्या कर लेना, एक तीन पांच ले लेना, बोल दे केवल विषम संख्या ऊपर आने की प्रायिकता, तो एक तीन पांच से बना लेना, एक 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 तीन एक पांच, फिर पांच पांच पाँच तीन पाँच एक, फिर तीन एक तीन पाँच तीन तीन, उसमें भी यही उत्तर आएगा, एक बटे चार ही उत्तर आएगा उसका भी, ठीक ना, देखना दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग विषम का विषम आने की समुच्चय बता दो, अंकों का योग विषम आ जाए, दो पासों को जब फेंका जाए तो अंकों का योग विषम आने की प्रायिकता, आप खुद बताओ भाई, एक था अंकों का योग विषम आ जाए, अगर इसमें सम जोड़ेंगे, एक में एक आ गया दूसरे में दो आ गया तो बताओ विषम बना, एक में एक है दूसरे में चार जोड़ोगे तो भी विषम बना, एक में एक आ जाए दूसरे में छः आ जाए तो भी विषम बना, बना ना भाई विषम, अब ये मत बोलना सर एक और छः जोड़ रहे तो सात आ रहा है, सर सात कहाँ होता है भाई, एक और छः तो होता है ना, एक छः को जोड़े तो विषम संख्या बना ना, तो यह हो गया, मतलब पहले में एक आया दूसरे में दो, पहले में एक दूसरे में चार, पहले में एक दूसरे में छः, मतलब एक सम एक विषम को साथ साथ लेकर चलो हमेशा विषम बनेगा, देखना अगर एक दो को लिया मैंने इसके साथ क्या जोड़ सकते हो आप, एक जोड़ सकते हो, एक जोड़ दिया फिर से तीन आ गया, एक दो लिया तो इसके साथ क्या जोड़ सकते हो, दो जोड़ सकते हो भाई, दो दो नहीं आया, दो जोड़ोगे तो सम मिलेगा, दो और तीन जोड़ सकते हो, बिल्कुल जोड़ सकते हो, दो तीन हो गया, दो के साथ और क्या जोड़ सकते हो, दो के साथ जोड़ सकते हो भाई, दो के साथ तीन जोड़ सकते हो, हो गया चार,
चार दो छः जोड़ोगे तो सम आएगा, यानी कि दो के साथ पाँच जोड़ लेना, सात विषम संख्या भाई अभी तक नहीं आया है, दो पाँच ठीक है। अब दो के साथ और क्या जोड़ सकते हो, दो के साथ छः जोड़ोगे तो सम आएगा, छोड़ दो वाला कंडीशन खत्म। इसके बाद तीन के साथ, तीन के साथ क्या जोड़ सकते हो, एक जोड़ोगे तो सम आ जाएगा, तीन के साथ दो जोड़ दो पाँच आ गया ठीक है, अभी तक नहीं आया है। तीन के साथ अगर हम तीन जोड़ते हैं तो छः आएगा, तीन के साथ अगर चार जोड़ते हैं तो भाई विषम संख्या आएगा, तीन के साथ बताओ क्या जोड़ोगे, पाँच जोड़ोगे तो आठ आएगा, सम आ जाएगा, तीन के साथ क्या जोड़ना है हमको, विषम जोड़ना है, तो छः तीन नौ, तीन 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 दो तीन चार तीन एक तीन पाँच और तीन छः तीन नौ छः, हाँ छः जोड़ सकते हो भाई, नौ आ गया। इसके बाद चार के साथ एक जोड़ दो, चार के साथ तीन जोड़ दो, चार के साथ तीन जोड़ दो, चार तीन सात, चार के साथ क्या जोड़ दो और चार के साथ पाँच जोड़ दो, पाँच चार नौ ठीक। अब इसके बाद छः और पाँच पे, पाँच के साथ दो जोड़ दो, पाँच के साथ तीन नहीं, पाँच के साथ चार जोड़ दो, पाँच के साथ और क्या जोड़ दो, पाँच के साथ छः नहीं छः जोड़ दो, हाँ छः पाँच नहीं छः जोड़ दो, छः के साथ एक जोड़ दो, छः के साथ तीन जोड़ दो, छः के साथ और क्या जोड़ दो भाई, छः के साथ पाँच, छप्पन ग्यारह पाँच जोड़ दो। देखो इतने कंडीशन बनेंगे, मैं आपको बता देता हूँ ट्रिक, एक से तीन विषम, एक से तीन विषम, फिर तीन वाले से तीन विषम, फिर तीन वाले से मैं चार वाले से तीन विषम, इस तरह से जितनी संख्या है उतना में तीन का गुणा कर दो, कितनी संख्या है छः, यानी कुल टोटल संभावना कितनी बनेगा, छत्तीस अट्ठारह, काउंट करो तो एक दो तीन चार पाँच छः छः छः, यानी अट्ठारह बना कुल संभावना भाई, कुल बोला गया है दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग विषम आने की समुच्चय बता दो, तो अंकों का योग विषम आ रहा है, हर कंडीशन में आ रहा है ना भाई विषम, देखो तीन तीन मतलब सब में विषम आ रहा है, देख लो किसी में सम नहीं है, तो भाई विषम की संख्या कुल कितनी बनेगी, अट्ठारह बनेगी, कुल संभावना कितना है छः के पावर दो, क्योंकि दो पासा है, तो अट्ठारह बटे छत्तीस, अट्ठारह बटे छत्तीस यानी कि एक बटे दो उत्तर होगा भाई। यही संख्या अगर यहाँ पे होता ना, विषम की जगह सम होता ना, तो भी ऐसा ही लगाते हैं, अट्ठारह बटे छत्तीस, उस कंडीशन में सम भी अट्ठारह बार ही आता, जिस प्रकार से विषम दो पासों को फेंका जा रहा है, तो एक में दो, एक में एक, एक में एक, एक में चार, ऐसे करते करते अट्ठारह बार ऐसा कंडीशन बना विषम का, उसी प्रकार अट्ठारह बार सम का भी कंडीशन बनता, तो अट्ठारह बटे छत्तीस यानी एक बटे दो उत्तर तब भी आता, अभी भी आया है। चलो इन दोनों को करो, तो आज थोड़ा सा समय ज़्यादा लग गया लेकिन कोई बात नहीं, आपको समझ में आ जाना चाहिए भाई, चार चैप्टर एक साथ खत्म हो रहे हैं, देख रहे हो ना, आपका पाँच छः सात आठ ये चारों एक साथ फिनिश होंगे आज। एक पासे से एक दाव में चार से बड़े अंक फेंकने की प्रायिकता, एक पासे में एक ही पासे से चार से अधिक मतलब चार से बड़े अंक फेंकने की प्रायिकता बता दो एक ही दाव में, तो भाई चार से बड़ा क्या होगा, पाँच होगा छः होगा, भाई एक पासा है तो दो संभावना बना, दो बटे के छः के पावर में एक, क्योंकि पहल छः है पावर में एक पासा, यानी कि देखो हम इसको कैसे करना है बता देते हैं, घटना घटने की संभावना, घटना घटने की संभावना, घटने की संभावना, संभावना बटे कुल संभावना, बटे कुल संभावना, कुल संभावना बटे कुल संभावना, घटना घटने की संभावना कितनी भाई, भाई चार से बड़े अंक आने की प्रायिकता किसी एक पासे में, पाँच और छः दो ही तो हुआ, तो दो बता दो, दो घटना घटने की संभावना दो बार, कुल संख्या यानी कुल संभावना कितना भाई, पासा कितना है एक है, तो पहल कितने उसके हैं, छः पहल हैं, एक दो तीन चार पाँच छः पहल हैं, तो छः बटे के एक, छः बटे के एक यानी कितना हो जाएगा, दो बटे के छः यानी एक बटे तीन आपका राइट उत्तर होगा ठीक। अगले प्रश्न पे चलते हैं, एक इस प्रकार का प्रश्न निश्चित हो सकता है आ जाए, मतलब देखा नहीं गया अभी तक प्रीवियस ईयर में लेकिन हो सकता है आ जाए, एक थैले में तीन लाल पांच काली गेंद हैं तो एक काली गेंद निकालने की प्रायिकता, अगर बोलता एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता तो भी देख लेना, अगर पूछता एक पूछा है क्या एक काली गेंद निकालने की प्रायिकता, काली गेंद कितनी है पाँच है तो पाँच को ऊपर रख दो, कुल संख्या कितनी है पाँच प्लस तीन आठ, तो पाँच बटे आठ हो जाता, अगर बोलता एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता तो लाल गेंद की संख्या कितनी है तीन है, लाल गेंद की संख्या कितनी है तीन है, कुल संख्या कितनी गेंदों की पाँच प्लस तीन तो आठ आ जाता, यहाँ पे तीन बटे आठ आता, तो ये चीज़ें रख लेना आपको काम देगा ठीक। बस इतने थे, अब हम आगे ट्रिग्नोमेट्री या फिर मेंसुरेशन है उसको एक एक दिन लेकर ख़त्म करेंगे, आपको घबराना नहीं है, ब्रह्मास्त्र चल रहा है इसको बस ज्वाइन कर लीजिए, बाकी अगर कोई दिक्कत हो इसमें भी तो प्रीवियस हमने करा रखा है बेसिक उसको जाकर देख लेंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहिए यह क्वेश्चन डायरेक्ट छपने वाला जो अब मैं करा रहा हूँ सीरीज, ये चौथा सीरीज है, तीन सीरीज हो चुका है, ज़रूर देख लेना आप, धन्यवाद।